बुंदेलखंड की कृषि व्यवस्थाओं को परखने के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सिंचाई बीज व पारंपरिक खेती को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया, विगत वर्षों में बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड में खेत तालाब बनाए गए हैं। प्रदेश में सरकार आने के बाद पूरे प्रदेश में 18,000 खेत तालाब किसानों के खेतों पर किसानों ने बनाए हैं, जिसके लिए 50% योगदान उन्होंने दिया है। इस साल भी झांसी मंडल में 3,730 खेत तालाब का उन्होंने लक्ष्य दिया है, जिसमें झांसी जनपद में 1,492, ललितपुर में 746 व जालौन में 1,492 खेत तालाब शामिल है, जिसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन पत्र देना होगा, जिसके बाद उनकी सहमति देने पर छोटे खेत तालाब के लिए 52,000 रुपए व बड़े खेत तालाब के लिए 1,14,000 रुपए का अनुदान उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, अभी झांसी मंडल के कृषि विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा करूंगा, विशेष रूप से खरीफ अभियान की को गति दिए जाने के लिए सभी विकास खंडों पर बीज उपलब्ध हो जाए, उर्वरकों की व्यवस्था समुचित सुनिश्चित कर ली जाएगी और खेत तालाब योजना का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी प्रगति की समीक्षा करेंगे। 3,730 खेत तालाब हमने लक्ष्य दिए हैं, जिसमें झांसी जनपद के भीतर 1,492, ललितपुर में 746, जालौन में 1,492। ये किसानों को ऑनलाइन इसके लिए आवेदन पत्र देना होगा और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र देंगे और अपने ज़मीन के भीतर खेत तालाब पर सहमति देंगे, उनको छोटे खेत तालाब के लिए 52,000 रुपये का और बड़े खेत तालाब के लिए 1,14,000 रुपये का अनुदान जो है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना 2017 से योगी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने तेज गति से चलाया है और उससे बुंदेलखंड के भीतर भूजल स्तर भी बढ़ा है और साथ साथ में खरीफ के सीजन में हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ा है। पूरे बुंदेलखंड के भीतर 8,00,000 हेक्टेयर जमीन में खरीफ की खेती हुआ करती थी। 80% अनुदान पर खरीफ का बीज उपलब्ध कराए जाने का निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया और उसका परिणाम ये हुआ है कि अब बड़े पैमाने पर खरीफ का आच्छादन इस बुंदेलखंड में बढ़ा है और खेत तालाब के खोदे जाने से जो सिंचाई सुविधा उनको उपलब्ध हुई है उससे भी यहाँ का खेती का आच्छादन बढ़ा और अब जो है वो लगभग 13,00,000 हेक्टेयर के भीतर खेती हो रही है, यानी 4,50,000 हेक्टेयर जमीन पर किसान खेती करना बढ़ाया है योगी जी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के साथ। तो यह आने के कारण तो यह एक बहुत बड़ा परिणाम बुंदेलखंड के लिए है और मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड का किसान आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर जा रहा है। इस अपने खाली क्षेत्रफल को और जितना वो बढ़ाएगा उतनी ही वो गरीबी को दूर करके और आर्थिक संपन्नता की ओर जा सकेगा। राज्य के भीतर पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,61,00,000 किसानों के खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं और अभी प्रधानमंत्री जी ने 14 मई को पीएम किसान सम्मान की इस वित्तीय वर्ष की पहले 4 मास की किस्त जारी किया और उसके भीतर 2,61,00,000 किसानों के खातों में 5,260 करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे पहुंच गए। तो यह इतनी व्यापक योजना है, राज्य ने योगी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से काम किया है और देश के भीतर तीव्र गति से क्रियान्वयन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और उसके लिए भारत सरकार ने सम्मानित किया। हमें प्रसन्नता है कि योगी जी की सरकार ने किसानों के लिए इतने तत्परता से इस योजना को लागू किया, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है और बुंदेलखंड के भी बड़े पैमाने पर किसानों को उसका लाभ पहुंच रहा है। झांसी से आर्यन शर्मा की रिपोर्ट।